सांसद कुंवर सर्वेश सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अब अयोध्या में श्री राम मंदिर जाने पर बोले कि उनकी पार्टी हो या गठबंधन के लोग हों, वो राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने तो हमेशा राम मंदिर बनने का विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। उन्होंने तो कभी राम या राम सेतु के अस्तित्व को भी नहीं माना है। निमंत्रण देने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आए हैं। अब चुनाव देखकर रंग बदल रहे हैं, देश की जनता उन्हें देख रही है। उन्होंने किस तरह से सनातन का विरोध किया है और चुनाव के समय में ये मंदिर भी जा रहे हैं और जनेऊ भी पहन रहे हैं। सर, इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के एक कुछ बातें सामने आ रही है कि चुनाव के लिए वो अब नामांकन से पहले राम मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने भी कल इस पर देखिए, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या उनकी पार्टी हो या उनके गठबंधन के लोग हैं, वो राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, सब जानते हैं। उन्होंने हमेशा राम मंदिर बनने का विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। राम को और राम सेतु को उन्होंने कभी उसके अस्तित्व को नहीं माना है और लगातार पैरवी करी है। निमंत्रण देने के बाद भी वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आए। अब चुनाव देखकर अब रंग बदल रहे हैं। देश की जनता भली भांति उनको देख रही है कि उन्होंने किस प्रकार से सनातन का विरोध किया है, किस प्रकार से भगवान राम का विरोध किया है, और चुनाव के समय आकर ये मंदिर भी जा रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, जनेऊ भी पहन रहे हैं। ये सब काम हो रहे हैं, ये दिखावा जनता के सामने। सर, तो क्या चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सनातन के ध्वजवाहक के रूप में आज मोदी जी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर सनातन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत की धर्म ध्वजा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर एक राम भक्त और राष्ट्रभक्त का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राम की प्रतिष्ठा हम सबको उसका सौभाग्य मिला, देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को, कि राम युग में फिर से जो राम युग का स्मरण और राम युग में आने का जो अवसर मिला है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में उनके नेतृत्व के कारण। सर, एक